आपको पता है कि हरित रोही आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है? नहीं पता तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी, मैं बताती हूँ। पर उससे पहले क्यों ना आपको कुछ खास पेड़ों के बारे में बताया जाए और उनके फायदे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे खास पेड़ पौधे हैं जिनको बहुत रिस्पेक्ट मिली। आज जानते हैं इन पेड़ों के बारे में और इनसे जुड़े उपाय। आप तो जानते ही हैं, जैसे बेल का पेड़। बेल के पेड़ के पत्ते शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं। क्यों चढ़ाए जाते हैं? चढ़ाने से आपको काम में सक्सेस मिलने लगती है, फाइनेंशियल गेन्स बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से पीपल का पेड़ है। भगवान शनि का आशीर्वाद लेने के लिए आप इस पर उपाय कर सकते हैं। आप थर्सडे को या सैटरडे को पीपल के पेड़ पर पानी डालें और क्या करें, और उसकी चारों ओर 7 बार कलावा, जो ऑरेंज कलर की रेड कलर की मौली होती है, वो लपेट दें। कलावा लपेटने के बाद पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएं। इससे क्या होगा? इससे फाइनेंशियल जितनी भी दिक्कतें हैं आपकी, सब की सब दूर हो जाएंगी। ऐसे ही एक पेड़ है बांस का पेड़। बांस का पेड़ यानी कि बैम्बू ट्री, भगवान कृष्ण और उनकी बांसुरी उसका प्रतीक है। भगवान कृष्ण को बांस के पेड़ की बनी 2 बांसुरियां चढ़ाएं, फिर इसे घर लाकर मेन डोर के ऊपर क्रॉस कर लगाएं। क्या होगा? बुरी नजर से बचाव होगा, घर में सुख और समृद्धि आएगी, फैमिली मेंबर्स की रिलेशनशिप अच्छे रहेंगी। ऐसा ही एक और पेड़ है चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ जो है वो पार्वती माँ से जुड़ा है। चंदन पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे एक डिब्बी में रखें और मंदिर जाकर इसे पार्वती देवी को चढ़ाएं, फिर इसे घर ले आएं और रोज काम पर जाने से पहले माथे पर लगाएं। इससे काम में सक्सेस मिलेगी और दिल और दिमाग शांत रहेंगे। एक और ऐसा ही सरप्राइजिंग पेड़ है नारियल का पेड़। ये पेड़ भगवान शिव का प्रतीक है। हर मंडे को शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाएं। इससे आपके कामों में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी और फाइनेंशियल गेन्स होंगे। तो है ना ये जादुई पेड़। आपकी ताकत क्या है, इस बारे में कभी आपने सोचा? जिन लोगों को काम पर रखते हैं, जिन लोगों का नाम पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता, पता है उनके पॉजिटिव्स क्या हैं, उनको काम पे रखना है या नहीं, या किस काम पे रखना है, कि सारी बातें आपको समझाऊंगी। पर चलिए इससे पहले तोरी की बात करते हैं। वो तोरी जो आपके बच्चे देखकर नाक सिकोड़ लेते हैं, क्या फायदे हैं इनके? बच्चों को लॉजिक समझाएं। आधे लोग तोरी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन तोरी खाना आपकी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसमें कितने फाइबर, विटामिन, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है कि तोरी फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज को कम करने के लिए बहुत मददगार है? तो अगर आप पतले रहना चाहते हैं तो आप तोरी जरूर खाइए। डायबिटीज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपके पिंपल्स, एक्जेमा और ये जो स्किन की प्रॉब्लम है, इसमें भी कहीं मेडिसिनल काम करता है। तोरी आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसका जूस जॉन्डिस में बहुत बेनिफिशियल है। तोरी की सब्जी खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बच्चों को जब लॉजिक समझाएंगे तो तोरी जरूर खाएंगे।